अच्छे प्लीज मुझे डॉक्टर डीके श्रीवास्तव कहते हैं। मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग उत्तर प्रदेश शासन के अंतर्गत जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद है मैं उसका निदेशक हूँ, डायरेक्टर यूपीएससी। स्वयं भ्रमण कर इनके मॉडलों को देखा और इनकी भूरभूर प्रशंसा की। हमें उम्मीद है कि हम ऐसे प्रदर्शन से गोरखपुर या पूरे प्रदेश की जनता को एक वैज्ञानिक सोच के आधार बनाकर हम वैज्ञानिक बना सकते हैं। ग्रास लेवल के मॉडल थे उसके बारे में, ग्रास लेवल के जो हमारे नवप्रवर्तक है, इनोवेटर है, इनको भी हम इस तरीके से गांव के स्तर पर पहचान कर उनको मुंह पर लाते हैं। इनकी आइडियाज को हम जो है मूर्ति रूप देने का प्रयास करते हैं और इनके मॉडल की इनकी सोच को हम विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेज टेक्निकल इंस्टीट्यूट के माध्यम से हम इसको संवार के हम उद्योगों तक स्टार्टर तक ले जाने की प्रयास करते हैं। ये परिषद हमारा 2010 से इस पर लगातार काम कर रहा है और बहुत से नव प्रवर्तकों को हम लोगों ने स्टार्टर तक और उनके उद्योगों तक पहुंचाया। सामने आकृति विद्या मैम है और ये दो दिन से सफल मंच का संचालन कर रही हैं। मैम कैसा लगा पिछले बार के अपेक्षा, इस बार कैसा रहा? देखिए महोत्सव में 5 साल हो गए जुड़ते और बड़ी खुशी होती है कि आज से 5 साल पहले साइंस स्टेज पर कल्चर और वर्सटाइल प्रेजेंटेशन मैंने ही मतलब इंट्रोड्यूस किया था और आज वो सफल है और साइंस और कल्चर का जो मिला जुला कॉम्बिनेशन वो महोत्सव से आपको यहाँ मिलेगा। और ये बहुत अच्छी बात है कि महोत्सव का एक मात्र स्टेज है जो दिन भर भरा हुआ रह रहा है, रुझान है, नवप्रवर्तकों का मेला है और बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो सोचा गया था वो सफल हो रहा है और तस्वीर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने घर की खुशी, अपने घर की सफलता है और संचालन करने के साथ कल्चरल कोऑर्डिनेशन का मैं बहुत आनंद ले रही हूँ और कुछ मॉडल्स को जज कर रही हूँ। हाँ बहुत मजा आ रहा है। इनफैक्ट जहाँ तक वीडियो जा रही है आपसे यही कहना है कि अगर आप शहर के आसपास के हैं तो हर साल महोत्सव में हम लोग कल्चरल और साइंटिफिक दोनों तरह की गतिविधियों को सपोर्ट करते हैं, तो अगर आप आना चाहते हैं तो जुड़े। जितेंद्र जी को धन्यवाद, आप भी बहुत हमारे साथ, आपने भी कुछ तो हमारे आपको भी शुभकामनाएं, आपके चैनल को भी शुभकामनाएं। आने वाले हर व्यक्ति का स्वागत है, अगर हमारे समय में वो आ पाएगा बिल्कुल स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो पेशेंस दिखाया हम लोग को इतना झेला। हाँ हमारा हमारी 5,000 से ज्यादा और कल हमारे मुख्यमंत्री जी भी आए थे, सांसद महोदय 3 साल से लगातार हमारे जगह पे आते हैं, उन्हें पता रहता है कि विज्ञान में भीड़ रहती है, विज्ञान में लोग रहते हैं और वो आते ही आते हैं। याद है कि हम लोग एक एप्लीकेशन जाता है तो वो पुष्टि कर देते हैं कि हम आएंगे। तो राजनीतिक शीर्ष हो या वैज्ञानिक शीर्ष हो चाहे बौद्धिक शीर्ष हो, उनका जमावड़ा रहता है। यहाँ पे आपको वैज्ञानिकों के साथ अलग अलग लोग विज्ञान डाइवर्सन, लेकिन हमारे शिवांग शर्मा, ये एक स्मार्ट सिटी डिज़ाइन है गोरखपुर का, जिसमें हम लोग के पास सोलर पैनल है और ये ऐसा सिटी है जो खुद ही पावर जनरेट करके खुद ही यूज करता है, ये इंडिपेंडेंट सोलर सिस्टम से चलता है और यहाँ हम लोग विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं जिससे पूरे शहर में लाइट आता है और पूरे शहर में रोड का सिस्टम हम लोग लगाए हैं और यहाँ हम लोग पास बी पार्क है, यहाँ हम लोग का स्कूल है गायत्री विद्या प्रज्ञापीठ और यहाँ हॉस्पिटल है और जो पेट्रोल पम्प है। डिवाइस है जिसका नाम स्मार्ट सैंडल है। देखिए क्या है कि अगर लाली प्यास कभी जाती है अकेले घर से बाहर उसमें ये बहुत हेल्पफुल होगा। इंसिडेंटली बाई केस अगर फूड मेरे पास नहीं है तो यहाँ पे पीछे यहाँ पे फूड या सिर्फ क्या है इसको हम डबल टैप करेंगे तो ऑटोमेटिक फोन पे जो लॉक कर रहे हैं उससे कॉल चला जाएगा। यहाँ पे फोन में देखिए
भीड़ है, भीड़ भी कभी सुंदर हो सकती है, वो कौन होगा दिखाई दे रहा है यहाँ से। और इसलिए सबसे पहले भगवानों से ये पूछना पड़ेगा सर, इसमें ब्लूटूथ डिवाइस लगा है, इसमें बैटरी है, ब्लूटूथ मॉड्यूल है, आईआर रिसीवर है और रिले है, इसका यूज करना हमारा ये हमारा प्रोजेक्ट है। मैं प्रगति वर्मा आईटीएम गीता गोरखपुर की छात्रा हूँ। ये हमारा प्रोजेक्ट है एआई रोबोट डिफेंस पे। जैसे कि बेसिकली जानते हैं कि जो अंडर वाटर वॉर्स होते हैं उसमें इस पर्पज से बनाया गया है कि हम अपने किसी सैनिक को ना भेज करके हम इस रोबो को भेज करके किसी भी दुश्मन से उसका क्या पा सके, कंट्रोल पा सके। हम लोगों ने इस फिश पे कैमरा, वाईफाई कैमरा, ट्रांसमीटर और रिसीवर का यूज़ किया है, जिसके थ्रू कैमरा के थ्रू हम क्या कर सकेंगे, हम अपने क्या कर सकते हैं अंडर वाटर जो भी काम हो रहे हैं हम उसका पता लगा सकते हैं। और GPS के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि उसके अंदर जो भी चीज़ें हो रही हैं, मतलब मेरी फिश कहाँ पे है, किस लोकेशन पे, डायरेक्शन पे, वो मछली बता सकेगी। और ट्रांसमीटर रिसीवर के थ्रू हम उसको लोकेट कर सकेंगे और ट्रांसमिट कर सकेंगे। और साथ ही साथ हम लोगों ने एक एनिमेशन के थ्रू दिखाने की कोशिश की है कि जो हमारी फिश है वो एक एक्सप्लोसिव मटेरियल कैरी करेगी, जो एक्सप्लोसिव मटेरियल कैरी करके क्या करेगी, हमारे दुश्मन शिप्स के पास लेकर जाएगी। दुश्मन शिप्स के पास ले जाते अगर इन केस रास्ते में अगर हमारी फिश को किसी बड़ी फिश से हार्म पहुंच रही है, तो हम लोगों ने वहां पे आर्डिनो यूनो का यूज़ करके एक फ्रिक्वेंसी जनरेट की है। जैसे मान लीजिए अगर हमारा एरिया 500 मीटर के रेंज में अगर हमको उस फ्रिक्वेंसी फिश से दूर रखना है, तो हम 500, 400, 300, 200, 100 मीटर अगर मछली जिस तरीके से हमारी फ्रिक्वेंसी में अंदर आती जाएगी, उस तरह से उस फिश को माइल्ड शॉक लगेगा, जिससे फिश को किसी तरीके की कोई हार्म नहीं होगी, बस वो अपना डायरेक्शन चेंज करेगी, जिससे मछली का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और हमारी मछली के पर्पज में किसी तरीके की कोई कठिनाई नहीं होगी और हमारी मछली जो है फिश जो है वो चल जाकर वहाँ पे कनेक्ट करके हम उसके बाद जब हमें लगेगा कि हमें हमले के अटैक हो रहा है तो हम उसको ब्लास्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो हमारी फिश है उसके कंपोनेंट्स हम लोगों ने ऊपर दिखाया, बट ये कंपोनेंट्स इन फ्यूचर हम लोगों ने क्या किया है, मछली के फिश के अंडर लगाने का काम करेंगे। जैसे कि जो कैमरा हम लोगों ने ऊपर लगाया है उसको फिश के आईज में लगाएंगे, जिससे कि दुश्मन को ये पता ना चले कि ये हमारी फिश ये आर्टिफिशियल फिश नहीं है, रियलिस्टिक फिश है। थैंक यू सो मच। आदर्श कुमार, आई एम फ्रॉम ITM गीता गोरखपुर। हमने ये प्रोजेक्ट बनाया हुआ है द GPS टूल्स। कई बार आप लोगों ने ऐसी न्यूज सुनी होगी कि भूस्खलन की वजह से, लैंडस्लाइड की वजह से हमारे आर्मी के जवान उसमें दब जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। कुछ सालों पहले हमारे पास एक केस आया हुआ था मणिपुर का, वहाँ पे कई सारे जवान मरे हुए थे, तो उनको रेस्क्यू करने के लिए हमारी एक टीम वहाँ पे गई हुई थी। 7 से 8 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद भी वहाँ से केवल हमारे हाथ जवानों की डेड बॉडीज भी ही लगी। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि हमारे पास एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं थी। क्या हो अगर हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो, तो ऑफकोर्स हम अपने जवानों को आसानी से कहीं से भी इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा से बचा पाएंगे। तो इसी समस्या को नज़र में रखते हुए मैंने ये प्रोजेक्ट प्रिपेयर किया हुआ है। मैं आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि इसमें लगा हुआ है एक वेट सेंसर, 2 वेट सेंसर लगे हुए हैं, एक GPS सिस्टम इम्प्लीमेंटेड है, यहाँ पे लगा हुआ है एक बैरल गन सिस्टम और उसमें एक कैमरा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ही इस सेंसर पे 50 ग्राम से ज़्यादा का वेट पड़ता है, वैसे ही ये सेंसर एक्टिवेट हो जाता है और आर्मी बेस कैंप में रखा हुआ ये रिमोट सेंसिंग डिवाइस एक सिग्नल इमिट करने लगता है। इससे हमारे जो आर्मी के ऑफिशियल्स होंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे और तुरंत 2 टीम प्रिपेयर कर सकते हैं, वो एक टीम रेस्क्यू के लिए और दूसरी टीम फाइट करने के लिए। तुरंत उस जवान के साथ जो जवान खतरे में होगा उसके साथ संपर्क बनाया जाएगा और ये पता करने की कोशिश की जाएगी कि सुरक्षित है या नहीं। अगर सुरक्षित होंगे तो ठीक है, अन्यथा वो 2 टीम उनके रेस्क्यू के लिए तुरंत भेज दी जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जवान गश्त पे गए हुए होते हैं और उनको दूसरी देश की आर्मी उठा के लेके चली जाती है। गॉड फॉरबिड ऐसा कभी हो ना, लेकिन अगर कभी ऐसी केस आती है तो
यहाँ पे मैं गीडा महोत्सव में मैं यहाँ गोरखपुर महोत्सव में हूँ और यहाँ पे फायर करना अलाउ नहीं है, इस वजह से हमने गन सिस्टम को निकाल दिया है। गन सिस्टम एक मोटर पे लगा हुआ था जो चार दिशाओं में चल सकता था, रिमोटली ऑपरेट किया जा सकता था उसको, और दूर कहीं से रिमोटली फायर किया जा सकता था। तो कभी भी अगर जवान को पकड़ लिया जाता है तो इस गन की मदद से वो फायर करके अपने आप को अपना बचाव कर सकता है और वहाँ से निकल सकता है। कभी अगर ऐसी कंडीशन आएगी कि आ गई कि फायर किया गया लेकिन फिर भी जवान बच नहीं पाया, उसको पकड़ लिया गया, तो उस केस में हमारा जो कैमरा है वो काफ़ी हमारी मदद कर सकता है। वो कैमरा लगातार रिकॉर्डिंग करके बेस कैंप पे भेजता रहेगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी हमारी अपकमिंग टीम है उनको पता रहेगा कि कहाँ पे एनिमीज छुपे हुए हैं, उनको मारने में काफ़ी आसानी होगी, और इस प्रकार बिना अपनी जान गंवाए हमारे आर्मी ऑफिशियल रणभूमि में जाके तहलका मचा सकते हैं और रण को पूरी तरह जीत सकते हैं। मैं आदर्श कुमार एक छोटे से इनोवेटिव आइडिया के साथ आपके पास आया हुआ हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टेक्नोलॉजी हमारी आर्मी के पास जरूर पहुँचेगी। धन्यवाद। सर मेरा नाम सूरज मिश्रा है, मैं ITM का छात्र हूँ। मैंने सर एक एंटी डेंगू डस्टबिन बनाया है जो कि सर ये जो भी हमारे हार्मफुल जैसे मच्छर से जो भी हमारी बीमारी होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग इस डस्टबिन को बनाया है, और जैसे सर हम लोग देख सकते हैं हम लोग बिना हाथ को गंदे किए हम लोग इसको ईजिली हम लोग डस्टबिन ऐसे फेंक सकते हैं। यहाँ पे देखिए ओपन हो चुका है और इसको हम लोग लगाए, ये ओपन हो गया, हम लोग इसको इसमें डस्टबिन कूड़ा कचरा फेंक सकते हैं। और सर यहाँ पे एक मॉस्किटो किलर लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे कोई भी अंदर मच्छर उच्छर होते हैं जैसे इसके कांटेक्ट में आते हैं वो तुरंत डेड हो जाएगा। और सर इसमें क्या हुआ, एक सेंसर लगा होता है, जैसे फील हो जाता है तो जो हमारे नगर निगम के जो अध्यक्ष हैं उनके पास मैसेज चला जाएगा और वो उसको अपने सफाई कर्मचारी को भेज के इसको आसानी से साफ करवा सकते हैं। और सर ये भी हम लोग छोटे लेवल पर बनाए हैं और हम लोग इसको और भी बड़े लेवल पर इसको आसानी से बना सकते हैं। सर ये प्रोजेक्ट स्मार्ट बुलेट प्रूफ जैकेट है। सर ये वॉर सीन्स को एनालिसिस करते हुए बनाया गया है, कैसे जैसे कि हम लोग कई बार वॉर में देखते हैं कि सोल्जर्स को पीछे से अटैक करके गोली मार दी जाती है और वो अपनी जान नहीं बचा पाते हैं, तो सर ये एक स्टेप फॉरवर्ड हो जाएगा उनको जान बचाने के लिए। ये हमारा बैक पोर्शन है और ये हमारा फ्रंट पोर्शन है, और अगर कभी भी कोई सोल्जर को कोई पीछे से गोली मारना चाहता है तो उसको पता चल जाएगा कि वो हमारे पीछे आया हुआ है और वो अपनी जान बचा लेगा। सर हम इसमें मतलब बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे मेडिकल पर्पज के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है, अगर कोई भी सोल्जर को कुछ ब्लड लॉस हो रहा है या तो कुछ भी हो रहा है तो वो एक स्विच बटन से ये हमारा कंपोनेंट हमारे बेस कैंप में लगा रहेगा, केवल एक बटन से वहाँ पे सिग्नल चलाएगा कि इस सोल्जर को ये प्रॉब्लम हो रही है और वो जाके मजा सकता है। और सर इसको एज अ डमी भी यूज़ किया जा सकता है कि हम डमी की तरह इसको कहीं भी टांग सकते हैं या तो कहीं भी रख सकते हैं, और रिमोट से कंट्रोल करके इसमें छोटे छोटे बुलेट्स होते हैं, मिसाइल लगती है यहाँ पे, और फायर किया जा सकता है। सर हम फायर करके भी दिखाए हुए हैं, वीडियो दिखा देना फायर किंग का। सर यहीं गोरखपुर हमारे महोत्सव का एक वीडियो फायरिंग किया हुआ है और सर आपको वीडियो दिखा दे रहा है। कैमरे के सामने और सर इसका 100 मीटर तक का रेडियस है, और अगर इसको रेडियस को फर्दर भी इंक्रीज किया जा सकता है हम लोग जैसे कि फायरिंग होगा इसमें अभी। जो सर मेरा नाम अविनाश है, मैं ITM गीड़ा गोरखपुर का छात्र हूँ। सर हमने बनाया स्मार्ट रोड डिवाइडर है, सर इसमें गाड़ियाँ चलते हुए भी चार्ज होती रहेंगी। आपको एक टाइम होता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आजकल जमाने में हुआ है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का आगमन ज़्यादा हुआ है क्योंकि फ्यूल हमारे यहाँ से ख़त्म होते जा रहा है, डीजल पेट्रोल की आगे चल के हमें बहुत दिक्कत होने वाली है इन सबकी, इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज़्यादा आ गए। उसको देखते हुए हमारा एक होता है कि एक समय तक इलेक्ट्रिक व्हीकल चलते फिर उनको चार्जिंग की ज़रूरत पड़ती है। बाय द वे हमें कोई इमरजेंसी काम हो, हमें कहीं जाना हो तो उस इलेक्ट्रिक व्हीकल को बिना रुके नॉन स्टॉप हम लोग चलते जाए, उसके लिए एक डिवाइडर बनाया गया है। इस डिवाइडर में यह है कि सर गाड़ियां रोड पे चलते हुए भी चार्ज हो जाएंगी, ये इलेक्ट्रोमोटिव इंडक्शन पे काम करती हैं। इसमें गाड़ियों को बिना किसी चार्जिंग पॉइंट पे रुके अपने डेस्टिनेशन तक इजीली पहुंच जाएंगे। थैंक यू। एंटी सुसाइडिंग फैन है जो कि हम हॉस्टल और PG में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बच्चे जहाँ पे छोटा जैसे जगहों पर रहते हैं तो वहाँ हॉस्टल में रहने पे ये होता है कि वो कुछ पैसे में उनको सुसाइड करने की मतलब मूड में आ जाते हैं, तो सुसाइड केसेस में ये होता है कि वो
ज़्यादातर पंखे का यूज़ करते हैं फांसी लगाने के लिए, तो फांसी लगाने मतलब हम इससे ये रोक सकते हैं कि वो फांसी ना लगा पाए, इसलिए हम 40 से 30 kg वेट डाउन हो जाएगा। मतलब एक स्प्रिंग का यूज़ कर रखा है और वो मतलब ट्रांसमिटर रिसीवर का यूज़ कर रखा है, जिससे वार्डन कैटेगरी पास मैसेज पहुँच जाएगा और ये पता चल जाएगा कि हाँ इस रूम में ये सिचुएशन आ चुकी है, आप जाकर वापस चेक कर लीजिए। सर मेरा नाम देवांश पांडे है, मैं ITM गीडा गोरखपुर से हूँ। ये स्मार्ट ट्रिपर्स चाहिए सर, जिसको सर बेसिकली अरे फार्मर्स को देखते हुए बनाया गया, जैसे कि आवारा पशुएं जो होती हैं वो खेतों में घुस के फसलों को बर्बाद कर देती हैं, जिसके वजह से जो हमारे किसान बंधु भाई बंधु हैं बहुत परेशान होते हैं। तो सर इसमें कैपेसिटर का यूज़ किया गया है, जो 440 वोल्ट का इसमें कैपेसिटर लगा हुआ है, ये सोलर से बैटरी से और इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चार्ज होएगा। जैसे ही इसमें कोई इसमें से कोई जानवर अगर गुजरता है तो उसको हल्का सा करंट लगेगा, अर्थिंग देगा जो कैपेसिटर लगा हुआ, और फिर तुरंत ही डिस्चार्ज हो जाएगा, जिसके वजह से पशुओं को भी और हमारे जो फसल हैं उनको भी अरे दिक्कत नहीं होगी। जैसा कि मार्केट में आप झटके मशीन नाम का एक मशीन मिलता है, उसमें क्या होता है कि जो करंट होता है वो कंटिन्यूसली फ्लो करता है, जिसके वजह से जो पशु हैं उनको करंट लग जाती है और शॉर्ट सर्किट का भी उसमें डर रहता है। इसमें कैपेसिटर लगाने का इसमें एडवांटेज ये है कि इसमें शॉर्ट सर्किट का डर नहीं रहेगा, और जो पशु हैं उनको जैसे ही करंट लगेगा वो तुरंत ही अरे झटका लगेगा जब, तो वो तुरंत ही वहाँ से भाग जाएंगे। झटका लगते ही अगर हमारा खेत जो है वो बहुत बड़ा है तो एक कॉर्नर पर क्या हो रहा है वो फार्मर जान नहीं सकता है, तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ सेंसर लगाया गया है, और सेंसर जो है वो लाइट माध्यम से हमको पता करेगा। जैसे ही जब कोई यहाँ पर करंट लगता है तो ये लाइट ऐसे ब्लिंक होने लगेगी, और ये जब लाइट ऐसे ब्लिंक करने लगे तो किसान है उसको पता चल जाएगा हाँ कि यहाँ पे कोई आया था और जानवर को यहाँ पे फंसा था जो वहाँ से भाग चुका है। तो सर इसमें बेसिकली तो यूज़ हुआ है जो सिस्टम है ये रिमोट से चार्ज हो सकता है, जो कैपेसिटर है वायर इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज हो सकता है, और बैटरी के थ्रू चार्ज हो सकता है, जो हमारे किसान भाइयों को अरे फसल के लिए अच्छा रहेगा। थैंक यू सर, नमस्कार।